अभी ई का क्या? हमको तो ओ खाना था। क्या खाना था? अरे वो जूता जहर। आप ही खा लो ज्वार बाजरे की रोटी। अरे बस इतनी सी बात है, बनवा के रखी है, अभी मंगवा देती हूँ। दिनेश काका जरा ज्वार बाजरे की रोटी लेकर आना, अभी लेकर आ रहा। वाह गुलाब जामुन। दादी अभी खाइए। अरे मैं बाद में खा लूंगी। दादी अगर आप इतने अच्छे गुलाब जामुन को मना करेंगे ना तो इस बेचारे को ना बुरा लग जाएगा। प्लीज डोंट बी अ हार्ट ब्रेकर, आप एक मेरे लिए खाइए। अरे दादी की इतनी बटरिंग क्यों हो रही है? साफ साफ क्यों नहीं कहता क्या चाहिए तुझे? हाँ हाँ बोल ना। दरअसल कुछ काम आ गया तो थोड़े से पैसे चाहिए थे बस। काम तुम्हारा है या यशोदा का? हमको कौन सा का, का, का? हमारा प्राइवेट काम नहीं है, घर का काम है। जब हो जाएगा तभी पैसे दीजिएगा, ठीक है ना? क्या काम है यशोदा जी? अरे अर्जुन की शादी और का? हेलो अर्जुन आ ही गया। आओ अर्जुन आओ। क्या बात हो रही है? यही कि इस घर में अर्जुन तो है पर अभिमन्यु कब आएगा? What? ये अभिमन्यु कौन है? बोल ना यशोदा बोल। अरे अभिमन्यु जिसको तुम लाओगे। कहाँ से? ब्याह की उम्र होगी ना तुम्हारी, तो जब ब्याह होगा तो ही तो बच्चा होगा, और बच्चा होगा तो ही तो उसका नाम अभिमन्यु रखेंगे ना। आप समझे कि और समझाएं? राम भला करे। अम्मा ने कहा था ओ, अम्मा को अकेलापन महसूस होता है ना, इसलिए। मैं आपका अकेलापन समझ सकता हूँ, और अगर शादी से ही अकेलापन दूर होगा तो मैं तैयार हूँ। अरे वाह बाद में पलटी तो नहीं मारोगी? नहीं दादी मैं सिर्फ आपकी खुशी चाहता हूँ। अब दादाजी को गुजरे हुए जमाना हो गया, अगर आप अपना अकेलापन दूर करने के लिए शादी करना चाहते हैं तो मैं आपके साथ हूं। हम तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं। दादी आप तो जानती हैं कि मुझे शादी में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। प्लीज ऐसी उम्मीदें मत रखिए जो मैं पूरी ना कर सकूं। अर्जुन अरे बेटा डैड प्लीज खाना तो। गुड नाइट गाइस। अर्जुन रहने दीजिए ना, बाद में खिला दूंगी। अर्जुन गया और साथ में आपके पैसे भी ले गया यशोदा जी। अर्जुन जाए तो जाए, राम भला करे, पैसा तो हमरे पास ही आएगा।